की तो वीडियो के ना थंबनेल बना दियो जो ये वीडियो बनाएंगे

स्टार्टिंग हां जी स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब लोग एग्जाम आपका पास आ रहा है सो हाउ इज द प्रेपरेशन आई होप यू आर डूइंग योर बेस्ट तो चलिए आज हमारा जो है वो थर्ड फेज जो है आज हम फ्रीडम मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे और थर्ड फेज के अंदर थर्ड फेज के अंदर आज हम जो हिस्ट्री के टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री फ्रॉम 1930 टिल 1947 जो हमारा बिल्कुल लास्ट फेज आ जाता है तो इसमें हम लास्ट फेज में ये पूरा जो टॉपिक रहे हैं इनको आज हम कवर अप करेंगे और यहाँ पे हम आज इसकी स्टार्टिंग करेंगे टॉपिक का जो हमारा है दैट इज़ अबाउट साल्ट सत्याग्रह जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं नाइनटीन थर्टी में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसे रिकॉल बैक किया जाता है तो रिकॉल बैक करने के बाद महात्मा गांधी जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाते हैं जहाँ पे ही वॉज कंसिडरिंग के नाउ टाइम हैज़ नॉट कम टू स्टार्ट ए मोमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन तो अभी हमें लोगों को और एजुकेट करने की ज़रूरत है वी नीड टू ट्रेन दैम इन टू द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह तो ये बड़ा एक लम्बा समा जो है वो इस पेस में निकलता है लेकिन 1930 के बाद उन्नीस ही उन्नीस सौ तीस के बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर से जो महात्मा गांधी हैं वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक एक बार यहाँ पे एक्टिव जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं और उन इसके पीछे अगर हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1928 में ही उन्नीस में ही जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट जो थी उनसे आ, बड़े लंबे समय से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जा रही थी वो नहीं दे रहे थे तो तब कांग्रेस ने उस समय एक आ, आ, स्लोगन दिया था कि अगर हम एक साल के अंदर इन्होंने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा जो है वो दे देंगे और लाहौर सेशन के अंदर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा भी दे दिया था दे गो फॉर द पूर्ण स्वराज तो उसी से ही आगे 1930 में गांधी जी ने एक 11 पॉइंट डिमांड जो थी वो गवर्नमेंट के पास रख दी थी उन 11 पॉइंट डिमांड के अंदर जैसे कि साल्ट लॉ को लेके था जो लैंड रेवेन्यू था उसको उन्होंने कहा था कि 50 परसेंट रिड्यूस किया जाए तो इस तरह की कम से कम 10-11 डिमांड उन्होंने रखी थी कि अगर आपने ये हमारी 10-11 डिमांड नहीं मानी तो हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी डायरेक्ट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट पर आ रहे हैं जो कि नॉन कॉपरेशन का एक लास्ट फेस होता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने वो सारी डिमांड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और इसी बैकग्राउंड के अंदर ही गांधी जी जो हैं वो साल्ट सत्याग्रह की स्टार्ट यहाँ पे करते हैं अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के लिए जो फेस चुना गया जो बेसिक चुना गया कि कहाँ से इसको स्टार्टिंग किया जाए तो इसके लिए साल्ट सत्याग्रह को चुना गया क्योंकि देखिए नमक एक बहुत मामूली सी चीज है लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो किसी भी सेक्शन के लोग हो जब तक उनके खाने में नमक नहीं होता है तो खाना स्वाद टेस्टी नहीं रह जाता है और उस समय गवर्नमेंट जो थी अपने कंपनी मेड साल्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी लोग जो थे वो अपना जैसे गुजरात साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी साल्ट मेकिंग होती थी तो उनके ऊपर हैवी टैक्स जो था वो लगाया होता था तो उस हैवी टैक्सेशन के चलते ताकि जो है लोग अपना मजबूर होकर जो कंपनी का नमक है उसको बाय करें तो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेट मोनोपली थी कि नमक जैसी चीज के ऊपर भी ये कितना बड़ा मोनोपली रखा हुआ था तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने यह सिविल डिसऑबिडियंस का मूवमेंट का स्टार्टिंग किया ये मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से इसकी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी और ये डांडी तक ये मार्च यहाँ पे चला था बिल्कुल नीचे महाराष्ट्र के साथ इसका जो एरिया है वो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ तक ये मार्च यहाँ पे चला था तो इसीलिए इसे डांडी मार्च कहा जाता है 12 मार्च 1930 को ठीक है तो आज भी हमारी 12 मार्च ही है ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 मार्च को 1930 को तो ये टॉपिक हमारे एक डेट के अकॉर्डिंग काफ़ी कोरलेट कर जाते हैं तो गांधी जी ने अपने 78 एट फॉलर्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली कोई ढाई सौ माइल्स का जो डिस्टेंस था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी जो था उसको इन्होंने यहाँ पे तय किया स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी दे वर नॉट पेइंग मच अटेंशन उन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं है पचास साठ लोग हैं मार्च निकाल रहे हैं तो चलते जाने दी लेकिन जैसे जैसे महात्मा गांधी जी विलेज से विलेज जो थे वो कवर करते गए और जैसे जैसे ये कवर करते हुए 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को जब वो यहाँ पे डांडी पहुंचे तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठा के गवर्नमेंट को यहाँ पे चैलेंज कर दिया कि आज के बाद हम जो हैं आपका ये जो नमक है इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करेंगे और साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि चले तो अकेले थे लेकिन रास्ते में काफिला बनता गया यही काम इस डांडी मार्च के अंदर हुआ स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जो साठ सत्तर लोग गांधी जी के साथ चल रहे थे लेकिन जैसे जैसे गांधी विलेज आफ्टर विलेज क्रॉस करते जा रहे थे हर विलेज से लोग जो थे वो गांधी जी के इस काफिले के साथ जुड़ते गए और एक थाउजेंड्स लोग जो थे वो इस मूवमेंट को लीड करने में और बड़ी जल्दी ये जो इसका इफेक्ट था डांडी मार्च का इसका पूरे इंडिया में इफेक्ट होना शुरू हो गया जैसे बॉम्बे पोर्ट थी या कराची पोर्ट थी वहां पर भी जो साल्ट लॉ के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट था मार्च के मुंह में स्टार्ट हो गया जहा पे एंड दैट बिकम द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की बिगनिंग होती है ठीक है अब सिविल डिसऑबिडेंस ये जो स्टार्टिंग की गई मूवमेंट तो इसका जो प्रोग्राम आउटलाइन किया गया कि क्या इसके अंदर किया जाएगा तो इन्होंने कहा गया कि भाई हम साल्ट लॉ जो है उसको वायलेट करेंगे हम कोई टैक्स नहीं पे करेंगे हम लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे कोई टैक्स या कोई रेंट पे नहीं करेंगे कोर्ट्स का बायकाट करेंगे लेजिस्लेचर का बायकाट करेंगे इलेक्शन का बाईकाट करेंगे स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट सर्विस सबका बाईकाट करेंगे तो इस तरह से मेजर स्ट्राइक की जाएगी और ये जो पुलिस सिविल सर्विसेज है या मिलिट्री या पुलिस सर्विसेज है उसका भी बाइकाट किया जाएगा यानी कि एक कंप्लीट जो बाईकाट है हम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी का इस मीडियम से करेंगे अगर हमारी डिमांड यहाँ पे नहीं मानेगी इसी के चलते हुए जो गुजरात में धरसाना धरसाना एक बहुत बड़ा इनका ब्रिटिश का एक मिल एरिया था तो गांधी जी ने कहा कि चैलेंज किया कि भाई वी आर गोइंग टू रेड दरसाना साल्ट वर्क जो है उसको हम यहाँ पे रेड करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि गांधी जी दरसाना में एक बहुत बड़ा रेड वहां पे जाने जा रहे हैं और काम को रोकने जा रहे हैं तो गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया उन्नीस के पास मई 1930 को इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया तब जाके लेकिन ये जो मार्च था धरसाना का ये हुआ था इसके अंदर सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने इस मार्च को लीड किया था और इसके अंदर महात्मा गांधी जी के एक बेटे मणिलाल गांधी वो भी इस मार्च के मार्च में उनके यहाँ पे साथ थे तो इनके द्वारा जो था दरसाना में किया गया था इसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ठीक है सरोजनी नायडू ने दरसाना का यहाँ पे किया था और इस पूरे इंसिडेंट के चलते ये जो था इशू एक इंटरनेशनल मीडिया में भी हाईलाइट हो गया क्योंकि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वेब मिलर तो वेब मिलर जो थे उन्होंने इसको अमेरिका के जो न्यूज़पेपर थे उनके अंदर वहां पे पब्लिश किया और वहां पे दिखाया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है देखिए किस तरह का रूल इंडिया में कर रही है कि नमक जैसी चीज भी वहाँ पे नहीं बनाने दी जा रही उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है दे आर सो so एक्सप्लोटेटिव जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफी जो था क्रिटिसिज्म भी हुआ सो दैट इज वाई ये दर्शाना जो था वो एक इसका बहुत इफेक्ट जो था इसके ऊपर यहाँ पे पड़ा है ठीक है ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो साल्ट सत्याग्रह था इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये स्प्रेड होना शुरू हो गया था ठीक है अब साल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं तो सी राजा गोपालचरी ये तमिलनाडु में इस मूवमेंट को वहां पे लीड कर रहे थे थी, ठीक है नीचे वाइकुन सत्याग्रह के कलप्पन जो थे मालाबार में इसको वहाँ पे लीड कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट में हमने यहाँ पे एक और चीज देखी कि खान अब्दुल गफर खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था और इनकी एक सोसाइटी भी थी खुदाई ख़िदमतगार और इन्हें रेड शर्ट भी कहता था क्योंकि काइंड ऑफ शर्ट ये लोग जो थे यहाँ पे पहना करते थे तो तब खान अब्दुल गफर खान जो थे ये एक बड़ा एक हमें सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे देखा जाता था कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो था ये ज्यादातर ट्राइबल्स का यहाँ पे एरिया हुआ करता था एंड वहां पे भी नॉन वायलेंस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया बड़ा पीसफुली वहां पे प्रोटेस्ट किया गया और यही रीजन था कि खान अब्दुल खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना गया ये एक अपने आप में बड़ा सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे देखा गया बिहार में अगर हम देखते हैं तो जो चौकीदारी टैक्स यहाँ पे लगाया जाता था बागलपुर मंगियार उसके अगेस्ट पे भी प्रोटेस्ट किया गया तो एक बहुत मास मूवमेंट जो थी वो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के चलते यहाँ पे ये यह धीरे धीरे फैलनी जो थी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि 1930 के अंदर यहाँ पे एक जो फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इसका इफेक्ट हम देखेंगे ब्रिटिश सोल्जर जो आर्मी है उसके ऊपर भी पड़ता है क्योंकि जब पेशावर में पेशावर में वहां पे लोग जो थे बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको हटाने के लिए हटने से मना कर रहे थे जिस एरिया पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो द ब्रिटिश आर्मी ऑर्डर टू ओपन फायर लेकिन जो गढ़वाली सोल्जर थे उन्होंने वहां पे फायर करने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि हम ये जो फायर है नहीं कर सकते हैं ये हमारे ही लोग हैं तो हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो टू फायर तो इसका एक इफेक्ट हम यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के ऊपर भी यहाँ पे पड़ते हैं अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट था ये कम से कम एक साल लंबा चला इस समय गांधी जी को यहाँ पे जेल में रखा हुआ था लेकिन बाद में गांधी जी को यहाँ पे छोड़ना पड़ा क्योंकि लंदन में कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वहां पे स्टार्ट हो चुकी थी उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था जिसके कारण उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सस्पेंड कर दिया गया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को जो था उन्होंने एग्री हुए थे कि चलो आई विल रिप्रेजेंट द कांग्रेस देयर तो गांधी जी वहां पे लंदन में गए भी थे वहां पे तो इसके जब वहां इसके चलते गवर्नमेंट और जो कांग्रेस थी इनके बीच में कंप्रोमाइज भी यहां पे हुआ था एंड तो के, के चलते ही क्योंकि उन्नीस का एक्ट आ चुका था तो नेक्स्ट एक्ट जो था वो जैसे 10 साल के बाद आता है जिसके लिए साइमन कमीशन भी बनाया गया था कि उसको उन्नीस के एक्ट को रिव्यू करके जो नेक्स्ट एक्ट है वो वहां पे लाया जाए लेकिन अभी उन्नीस के एक्ट को अब गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम कोई जल्दी में कोई एक्ट लेके आए जिसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा फिर प्रोटेस्ट हो जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि एक ऑल पार्टी जो है वो एक मीटिंग की जाए सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ तो उनके साथ सभी के साथ एक डिस्कशन करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्ट लेके आए तो इसके लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इनको लंदन में वहाँ पे बुलाया गया था तो यहाँ पे जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये आ, इकत्तीस अक्टूबर उन्नीस के पास जो था इसको कॉल किया गया था ठीक है और मेन मुद्दा था साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको डिस्कस करना अब इस कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकाट जो था वो कर दिया था इसको बाइकाट कर दिया गया था लेकिन बाकी के जो पार्टी थी जैसे मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था हिंदू महासभा ने अटेंड किया था लिबरल ने अटेंड किया था और इसके अंदर जो प्रोमिनेट लीडर जिन्होंने इसको अटेंड किया था उनमें नाम आ जाते हैं तेज बहादुर सप्रू बी आर अम्बेडकर मोहम्मद अली जिना फजलुल हक डॉक्टर शाफत अहमद खान सर मिर्जा इस्माइल सर अकबर हायदरी और ये सब जो थे इस मूवमेंट के अंदर जो थे इन्होंने पार्टिसिपेशन जो था वो यहाँ पे किया था ठीक है लेकिन कांग्रेस जो थी उन्होंने इसको मानने से जो था वो वहां पे मना कर दिया कि भाई हम जो हैं वो किसी तरह का आ, कोई भी पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे नहीं करेंगे जिसके चलते इस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया गया आगे जाके कि नेक्स्ट कांग्रेस जो होगी ये हम जो है बाद में करेंगे जब कांग्रेस जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन करे क्योंकि इतनी बड़ी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बिना कांग्रेस के ये की जाए अब उधर गांधी जी जेल में थे उधर ब्रिटिश चाहते थे कांग्रेस आए तो अब गांधी जी अपनी डिमांड पे अड़े हुए थे ब्रिटिश अपनी जो चीज अपनी पॉलिसी पे अड़े हुए थे ठीक है तो तब एक बीच का रास्ता निकाला गया यहाँ पे तो कुछ मॉडरेट लीडर जैसे तेज बहादुर सप्रू रामराव जयकर शरीनिवास शास्त्री ये जो लीडर थे इन्होंने गांधी जी के साथ और लॉर्ड राय जो उस समय वॉयसरे इरविन थे इनके साथ मिले और इनको थोड़ा बहुत जो ब्रेक था आइस का काम किया तो एक इनको कॉमन टेबल पे वहां पे लेके आए जिसके अंदर कुछ डिमांड जो थी गवर्नमेंट की वो कांग्रेस कौ, ने एक्सेप्ट की कुछ डिमांड कांग्रेस की ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की जिसको हम नॉर्मली गांधी इरविन पैक्ट कह देते हैं एंड इट वाज साइंड इन फिफ्थ मार्च 1931 में इसको साइन किया गया अब इसके अंदर जो मेन फीचर क्या थी क्या इनके अंदर समझौता हुआ बिटवीन द कांग्रेस एंड द के बीच में कि जो कांग्रेस है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही है वहां पे पार्टिसिपेशन करेगी ठीक है और इसके बदले में जो कांग्रेस ने ये जो सिविल डिसऑबिनेंस मूवमेंट इसको डिसकंटिन्यू करेगी तो एग्री हो गए फिर इन्होंने रखा कि जितने भी आपने ऑर्डर या ऑर्डिनेंस इशू की हुई है कांग्रेस को क करने के लिए आप वो सारी विद्रॉ करेंगी यहाँ पे इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे आ, जो भी पोलिटिकल प्रिजनर पकड़े गए हैं एक्सेप्ट जो किसी वायलेंट इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है उन सबको आप रिलीज करेंगे उनको सबको छोड़ा जाएगा उनकी प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट की गई है वो भी आप यहाँ पे छोड़ी जाएगी ठीक है तो ये सब कुछ कॉमन एग्रीमेंट जो थे यहाँ पे हुए गए और तब इसी समझौते को इसी समझौते को जो ये यह एग्रीमेंट यहाँ पे हो गया और गांधी जी को आ, एग्री कर लिया गया कि भाई आप सेकंड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वहाँ पे लंदन में जो यहाँ पे जाएंगे तो तब जहाँ पे जाके Uh, इस मूवमेंट के लिए एक कराची सेशन जो था उन्नीस का वो यहां पे बुलाया गया ठीक है तो इस सेशन के अंदर जो कांग्रेस थी उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर जो था वो स्टैंप लगा दिया गया कि भाई ठीक है जो समझौता हो गया उसके अकॉर्डिंग आप जाएं और वहां पे जाके आप अटेंड करें और इसके लिए जो साल्ट लॉ जो साल्ट लॉ था वो भी ट ने एग्री कर दिया कि भाई ठीक है जो uh, कॉस्टल पे जोस्टल so जो uh, uh, था इसका एक और भी रेलिवेंस यहाँ पे था क्योंकि इस कराची के अंदर पहली बार एक रेजोल्यूशन लाया गया फॉर द फ्यूचर अगर कोई गवर्नमेंट uh, स्टेब्लिश होती है इंडिया की तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पे डाला गया जिसके अंदर दे एडेड द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम यानी कि फ्यूचर में किस तरह का सोशल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इंडिया में किया जाएगा तो यहाँ पे एक पोलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक राइट जो थे उनका एक रेजुलेशन डाला गया जो कि फ्यूचर में जो भी चाहे हम सेल्फ रूल मिलता है चाहे हम कम्प्लीट इंडिपेंडेंस जाते हैं तो ये सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल राइट जो है वो इंडिया में यहाँ पर दिए जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी स्टंप इसके अंदर किया गया कि रियल पोलिटिकल फ्रीडम का तब तक कोई मायना नहीं है जब तक कि हमें रियल सेंस में इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलती है जब तक इंडिया में जो लाखों लोग पॉवर्टी के जो पॉवर्टी ग्राफ से नीचे रह रहे हैं एंड दे आर स्टारविंग हमें जो है उनके लिए हमें जो है उनके लिए जब तक हम उनको भरपेट खाना नहीं देते हैं और उनको रियल सेंस में हम सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करते हैं तो ये हमारी पोलिटिकल फ्रीडम का कोई मायना जो यहाँ पे नहीं होगा सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आल्सो वी कैन सी कि कराची सेशन के अंदर हमारा एक सोशल इकोनॉमिक एक पोलिटिकल प्रोग्राम जो था वो भी इसके अंदर बनाया गया और जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है मैं ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं लंदन जाऊंगा तो लंदन वही जब गांधी जी वहां पे लंदन में जाते हैं तो लंदन में जाते हुए जिस तरह गांधी जी बड़े दुबले पतले शरीर के थे और एक धोती और ये कपड़ा पहनते थे तो वहां की मीडिया के अंदर भी काफी मजाक उड़ाया गया कि ये आपने किस फ़कीर को यहां पे बुला लिया गया अब गवर्नमेंट फकीरों के साथ भी नेगोशिएशन कर रही है तो तब गांधी जी ने बड़ा स्टारिकल व्यू में यहाँ पे एक उनको दिया कि बिल्कुल आपने सच कहा कि ये जो आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं ये हमारी कंडीशन आज के हिंदुस्तान की है जो आपकी गवर्नमेंट ने की है आपने अपने लंदन में तो सारी सुविधाएं दे दी लेकिन जो आपकी फैसिलिटी आज आप लंदन में एंजॉय कर रही हमारे खून पसीने को निचोड़ के कर रहे हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया जिसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत एक मॉडर्न और एडवांस रूल दे रहे हैं ये आपका मॉडर्न एडवांस रूल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो चलो इनका एक यहाँ पे एक गांधी जी ने एक बड़ा मीडिया के अंदर एक इसका जो जवाब था वहां पे दिया इस चीज का यहाँ पे अब ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही थी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही थी तो यहाँ पे सारे लीडर पहुंचे हुए थे अंबेडकर जो थे वो भी पहुंचे हुए थे सप्रू जयकर सरोजनी नायडू पंडित मोहन मलवैया ये सब चीजें डिमांड हुई थी अब गवर्नमेंट यहाँ पे इन कॉन्फ्रेंस को कॉल कॉल कर रही थी कि भाई हम जो है फ्यूचर का एक एक्ट एक एक लेके आना चाहते हैं जिसमें हम एक बेटर गवर्नेंस की बात करेंगे यहाँ पे तो लेकिन गांधी जी ने कहा कि बाकी सारी चीजें आप साइड पे रखिए आप पहले हमें यह बताइए कि आप हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब देंगे वी वॉन्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोवेंस और इसके साथ साथ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और फिनांस जैसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर इंडियन का पूरा कंप्लीट कंट्रोल होगा अब जब ये डिमांड यहां पे रखी गई इट वॉज वेरी रेडिकल डिमांड ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश तो ब्रिटिश बड़े हैरान हो गए कि भाई ये तो काम क्या हो गया यहाँ पे हमने तो कुछ यहां पे और ही सोचा था कि हम तो चलो नेगोशिएशन करेंगे इनको एक कुछ गिव एंड टेक करेंगे और नया एक्ट ले आएंगे एंड वी विल कीप कंटिन्यू लेकिन यहाँ पे तो गांधी जी ने नई पैंतरा फेंक दिया यहाँ पे कि भाई आप हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए तो यहाँ पे बड़ा बवाल हो गया जिसके कारण ब्रिटिश भी जो थे वो थोड़ा आ, काफी आ, यहाँ पे हो गया लेकिन यहाँ पे एक बीच का एक और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो स्टार्टिंग से ही अगर 1857 के बाद की बात करते हैं दे आर मास्टर ऑफ द गेम ऑफ डिवाइडेन उन्हें पता था इंडियन को किस तरह से डिवाइड करना है और इनको रूल कैसे करना है तो यहाँ पे एक कॉमनल इशू उठ गया अब इसके अंदर यहाँ पे आ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो अभी तक मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में और बाद में 1919 के एक्ट के अंदर इसको सिख क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन को भी एक्सटेंड कर दिया गया था तो तब यहाँ पे डेडलॉक हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे जो अंबेडकर हैं वो भी डिमांड करते हैं कि जिस तरह से आपने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बाकी को यहाँ पे दिया हुआ है तो आप हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट हमें भी चाहिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस की तरफ से यहाँ पे रख दी गई यहाँ पे ठीक है तो अब यहाँ पे खुद इंडियन के बीच में ही यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे किस तरह का कोई डिविजन जो है वो आ, किया जाए लेकिन जब ये मुद्दा यहाँ पे उठा तो उस वहां पे ब्रिटिशर जो थे दे गॉट रिलीफ के चलो अब यहाँ पे हम अपना कोई ना कोई गेम प्लान यहाँ पे कर सकते हैं तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो मैकटोनल थे इन्होंने यहाँ पे एक दो नए प्रोविंस भी जो थे उनको क्रिएट कर दिया यहाँ पे जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध ये दो नए प्रोविंस जो थे क्रिएट कर गए और सिंध ऑलरेडी मुस्लिम लीग बड़े लंबे समय से जो डिमांड कर रही थी कि सिंध जो है एक सेपरेट प्रोविंस बनाना चाहिए तो ये डिमांड कर दिए ठीक है थीके? तो इन्होंने यहाँ पे एक आ, कमेटी की स्टेब्लिशमेंट कर दी मैकडोनल जी ने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे एक कमेटी बनाएंगे जिसे हम एक कमेटी ऑन फ्रेंचाइज कहा जाता है फाइनेंस को लेके स्टेट को लेके एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी का जो भी डिसीजन होगा वो हम उसके अकॉर्डिंगली आगे हम प्रोसीड करेंगे तो इस कमेटी ने यहाँ पे क्या कर दिया गया कि यहाँ पे कॉमनल अवार्ड के बारे में मैं आगे इसके यहाँ पे बात करूंगा इसके बारे में तो कॉमनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया गया जो कि यहाँ पे जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया गांधी जी को जब पता चला कि भाई इन्होंने ये काम कर दिया तो गांधी जी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि मैं जाते ही सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो है वो मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर दूंगा इसलिए गांधी जी जैसे ही वापस इंडिया में पहुंचते हैं तो इनको बॉम्बे में पहुंचते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है कांग्रेस को इलिगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है और गांधी जी को पूना में यारावाड़ा जेल में वहां पे रखा जाता है तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहां पे रिजल्ट निकला अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कॉमनल अवार्ड उन्नीस का जिसे हम जानते थे ये दिया गया ठीक है इस कॉमनल अवार्ड के अंदर यहाँ पे क्या रखा गया कि उन्होंने बोला कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट मेजोरिटी को दिया हुआ है अभी तक हमने वो कंटिन्यू रहेगा ठीक है तो वो उसमें कोई चेंज नहीं की जाएगी ठीक है एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है उनको छोड़ के बाकी प्रोविंस जितने भी प्रोविंसेज हैं वहां पे तीन परसेंट जो सीट है वो वोमेन के लिए रिजर्व रहेंगी हर प्रोविंस में ठीक है और यहां पे जो मेन मुद्दा पड़ा कि जो डिप्रेस क्लासेज हैं जहां जो दलित हैं ठीक है जो दलित हैं अनटचेबल हैं उनको भी मायनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया और उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे दे दिया गया बाकी चलो बाकी जो लेबर लैंड या ट्रेडर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी थोड़ा बहुत जो जो प्रिविलजेस थे इसके अंदर दिए लेकिन मुद्दा यहाँ पे अब पड़ गया इसको लेके डिप्रेस क्लासेस को लेके और ये जो दलित को लेके यहाँ पे ये यह मुद्दा यहाँ पे पढ़ दिया गया तो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम को दिया हुआ था यूरोपियन जिसके अंदर यूरोपियन भी आ जाते हैं ये सारे लोग जो यहाँ पे रह रहे थे सिख्स भी आ जाते हैं इंडियन क्रिश्चियन भी आ जाते हैं एंग्लो इंडियन भी आ जाते हैं और डिप्रेस क्लासेस को भी दिया गया और कुछ जगह पे मराठास को भी बॉम्बे में ये दिया गया ठीक है तो अब इसके चलते यहाँ पे रखा गया अब डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रेड देने का मतलब था कि जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे डिप्रेस क्लासेस के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे और वही यहाँ पे वोट करेंगे तो इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा जो बवाल था अब वो इंडिया में खड़ा होने जा रहा था यहां पे तो दूसरा इसके अंदर हम यहां पे देखेंगे थोड़ा बहुत बाकी जैसे कम्युनिटी थी जैसे लेबर डिपार्टमेंट था कमर्स था इंडस्ट्री थी माइनिंग एंड प्लांटिंग थी इनको भी थोड़ा बहुत स्पेशल इलेक्टोरेट के राइट जो थे यहां पे दे दिए गए ठीक है सिख पंजाब में इनका पॉपुलेशन कोई तेरह परसेंट के पास था तो तो इलेक्टोरेट के लिए देगी दे अब को तो पहले भी यहां पे दिया हुआ था लेकिन जब गांधी जी को पता चला कि इस तरह से डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो उन्होंने बोला के जो लोग हैं दे आर ऑल्सो हिंदू मतलब कि ये तो एक अब पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इसका डिवीजन किया अब ये क्या कर रहे हैं ये हमारे मतलब कि हिंदू रिलीजन के अंदर ही डिवीजन कर रहे हैं तो जिसके चलते गांधी जी जो थे ये बोला कि मैं इस चीज को नहीं होने दूंगा और इट इज नॉट पॉसिबल तो इसके अगेंस्ट में कम्युनल अवार्ड के प्रोटेस्ट में जो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जो थे फास्ट डेथ के ऊपर बैठ के, के जब तक मैं इसको आप रद्द नहीं करोगे तो मैं तो कुछ खाना खाऊं पीऊंगा नहीं तो उन्होंने तो फास्ट एंड टू डेथ यहाँ पे कर दिया अब दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेदकर भी जो थे वो भी कहते थे कि भाई हमारी बड़े सदियों से सेंचुरी से हमको जो है एक्सप्लॉयट किया गया है हमको मतलब कि पैर की चप्पल जो है वो हमें बना के रखा गया है हम लोगों को सो इट इज़ अ राइट के हमें भी आगे बढ़ने के लिए राइट right है तो वो इसलिए को लेके डिमांड थी अब इसके अंदर में कुछ लोग जैसे कि मदन मोहन मलवैया जैसे लोग जो थे तो वो अम्बेडकर के साथ मिले और उनको यहाँ पे समझाया कि बाबा साहब आप जो हैं कुछ जो है मादमानी गांधी जी वहाँ पर जो हैं वो बैठे हुए हैं स्ट्राइक के ऊपर तो इसलिए आप जो हैं कुछ के बेस पे आई है तो तब इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था इसे पूना पैक्ट कहा जाता है उन्नीस सौ अब ये जो पूना पैक्ट का ये था इट वॉज बेसिकली नॉट साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर डिप्रेस क्लासेस के टे अम्बेडकर थे तो उन्होंने साइन किया था और हिंदू की तरफ से इसको साइन किया था मदन मोहन मलवैया ने गांधी जी ने साइन नहीं किया था तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना जब आपको हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए तो एक एग्रीमेंट यहाँ पे हो गया पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं उन्नीस अब पूना पैक्ट के अंदर क्या यहाँ पे रखा गया ठीक है पूना पैक्ट का यहाँ पे ये यह, यहाँ पे रखा गया कि भाई चलो ठीक है कि अम्बेडकर जी ये मान गए कि ठीक है हम जो है वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो यहाँ पे नहीं लेंगे तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट से यहाँ से मना कर दिया लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे सीट पे जो थी जैसे कि पहले कॉमनल वार्ड में 71 सीट जो थी थी वो यहाँ पे दी गई टू द डिप्रेस क्लासेस तो गांधी जी के कंप्रोमाइज ये यहाँ पे हो गया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लीजिए जो आपकी सीट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वन के पास जो सीट थी इनको यहाँ पे इंक्रीज जो था वो यहाँ पे कर दिया गया तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है आप डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की हमने दे दी अगर आपको नहीं चाहिए था उनमें से कॉल बैक कर लेते तो गांधी जी ने भी जो ब्रिटिश थे उनको भी इसको अप्रूव कर दिया गया तो डिप्रेस ये जो पुना पैक्ट था इसके अंदर जो डिप्रेस क्लासेस थी उनकी सीट इंक्रीज कर दी गई थी ठीक है 148 के पास उनको सीट दे दी गई थी लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जा उसको जो था यहां पे जो था रद्द कर दिया गया दैट वॉज द बेसिक पार्ट जो यहाँ पे पूना पैक्ट आता है ठीक है अब क्योंकि पूना पैक्ट यहाँ पे जो था ये एक एक बड़ा उस समय एक अवेकनिंग काज जो था वो हमारी पॉलिटिक्स में निकल के उस समय आया था तो गांधी जी को लगा कि भाई नाउ वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस मास्टर्स के लिए हमें जो है कुछ करना होगा तो गांधी जी ने तब जो था हरिजन हरिजन वर्ड उन्होंने यहाँ पे था इस वर्ड के लिए भी यहाँ पे एक डिबेट थी क्योंकि जो गांधी जी थे वो अनटचेबल के लिए हरिजन वर्ड यूज करते थे लेकिन जो अंबेडकर थे बाबा साहिब थे वो दलित वर्ड जो यहाँ पे यूज़ करते थे ठीक है तो हरिजन अपलिफ्टमेंट और इनके लिए काम करना ये गांधी जी का प्रिंसिपल कंसर्न भी बना जिसके लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई ऑल इंडिया एंटी अनटचचेबिलिटी लीग बनाई गई ये जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी सितंबर 1932 में इसको बनाया गया और एक वीकली भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया अगले साल हरिजन 1933 में इस ऑर्गेनाइजेशन और इस वीकली पेपर के मीडियम से गांधी जी ने अनटचेबल uh, के जो कास्ट थे उनको स्प्रेड किया और जो अपर कास्ट हिंदू थे उनको बोला कि नाउ इट इज़ ए टाइम टू रिफॉर्म ये रिफॉर्म करने का टाइम है आपने एक समुदाय को एक कम्युनिटी को बड़े सालों से आपने दबा के रखा है अगर आपने इसको आगे कंटिन्यू रखा तो फिर ये हमारा जो हिंदू रिलीजन है इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठे जाएंगे सो नाउ यू नीड टू रिफॉर्म आप ये कास्ट सिस्टम ये अनटचबिलिटी जो चीजें हैं इनको बंद कीजिए एंड गिव दैम द इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू द हरिजन तो इसके लिए गांधी जी ने एक इक्कीस दिन का फास्ट भी रखा जिसे वो प्योरिफिकेशन एक तरह से बोलते थे हरिजन काज के लिए यहां पे और दूसरी तरफ अब यहां पे इन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस को इंडिविजुअल सिविल डिसऑबिडियंस में यहां पे कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर वर इन जेल एट दैट टाइम उन्होंने बोला कि जो पर्सन जिस लेवल पे जो सेक्रीफाइस अपनी तरफ से कर सकता है वो अपने लेवल पे करे यानी कि मास मूवमेंट में नहीं इंडिविजुअल मूवमेंट पे जाएंगे हर वो पर्सन जो कुछ जो भी कर सकता है अगर वो जॉब छोड़ सकता है या अगर वो जो भी अपने लेवल पे कुछ कर सकता है वो करे तो इंडिविजुअल मास सिविल डिसऑबिडेंस को इंडिविजुअल सिविल डिसऑबिडेंस में यहां पे कन्वर्ट कर दिया गया और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी क्योंकि वो नया एक्ट लाना चाहते थे ऑलरेडी ये एक्ट काफी लेट हो चुका था 1935 का एक्ट जैसे हम पढ़ते हैं आगे आता है तो इसके लिए गवर्नमेंट को लगा कि कोई जो है वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल रहा है तो इसके लिए एक उन्नीस में एक वाइट पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसी के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन 1935 में हाउस ऑफ कॉमन के अंदर वहां पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर 1935 का एक्ट जो है वो आ जाता है इसे 1935 का जो एक्ट बनाया गया इट वाज मेजरली साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको बेस बना दिया गया नेहरू रिपोर्ट को भी इसके अंदर बेस बनाया गया और थोड़ा बहुत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन हुआ वो भी यहाँ पे किया गया 1935 एक बहुत ही मेजर एक्ट था और एक लास्ट एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर लेकिन एक बहुत लार्ज और मेजर एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाया गया अब इस एक्ट uh, के नीचे जो मेजर प्रोविजन यहाँ पे रखी गई तो इस मेजर प्रोविजन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रखा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पे बनाए गए फेडरल सिस्टम आप समझते हैं ना फेडरल सिस्टम जिसके अंदर जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है तो यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम जो था वो यहाँ पे बनाया गया जिसके अंदर जो डायरची इन्होंने पहले प्रोविंस लेवल पे दी हुई थी उसको फिनिश कर दिया को फिनिश कर दिया गया और उसकी जगह पे डायरची वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर लेवल ठीक है जो प्रोविंस थे उनको कंप्लीट एटोन दे दी गई कंप्लीट एटोन दे दिया गया और कैसे दिया गया जैसे कि सब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया जैसे कि हम आज भी देखते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में सब्जेक्ट का डिवीजन होता है कि ये यूनियन लिस्ट आ गई ये स्टेट लिस्ट आ गई ये कंकरेंट लिस्ट आ गई जिस तरह का डिवीजन डिवीजन होता है ये जो था यहाँ पे कर दिया गया फेडरलिस्ट के अंदर जो फेडरल गौर, सेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ मेकिंग करेंगी प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस अपने लॉ बनाएंगे तो डे खत्म करके एक फेडरल सिस्टम की जो शुरुआत थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस 1935 सौ एक्ट के नीचे यहाँ पे कर दी गई इसके साथ साथ बंगाल मद्रास बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंसिस बिहार और असम इन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर थी उसको बाय कैमरल लेजिस्लेचर कै किया गया जैसे कि जैसे कि दो जो थे यहां पे बना दिए गए एक फेडरल कोर्ट सेंटर पे बनाई गई जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और छह जजेस अपॉइंट किए गए जो बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके कन्वर्ट हुई और ये जो फेडरल कोर्ट थी पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट वाज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री हाई कोर्ट कोई भी जो डिसीजन देती थी उसकी जो फाइनल अपील होती थी वो लंडन में प्राइवेट काउंसिल में की जाती थी बट नाउ देर वॉज ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री इन 1935 एक्ट के मीडियम से जहां पे हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होता था उसको फेडरल कोर्ट में चैलेंज था, था और बाद में प्राइवेट काउंसिल में आप उसे यहां पे कर सकते थे सेपरेट इलेक्टोरेट को जो पहले कम्युनिटी को दिया हुआ था जैसे मुस्लिम थे सिख थे इंडियन क्रिश्चियन थे उसको आगे एस सच कंटिन्यू यहाँ पे रखा गया ठीक है तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे 1935 के एक्ट के नीचे पहली बार जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन थे वो करवाए गए 1937 के अंदर प्रोविंस के इलेक्शन जो थे यहाँ पे करवाए गए और ये एक हम बड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं ठीक है तो इसके चलते हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्नीस के इलेक्शन करवाए जाते हैं इस इलेक्शन में कांग्रेस एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोलिटिकल पार्टी जो है उसकी फॉर्म में यहां पे निकल के आती है चाहे हम मद्रास की बात कर लें बॉम्बे सेंट्रल प्रोविंसेस यूपी बिहार उड़ीसा इन सभी प्रोविंसेस पे कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करती है प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाती है असम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलती आती है उसी तरह से सिंध मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में मुस्लिम लीग भी मेजोरिटी पार्टी की फॉर्म में आती है और वहां पे गवर्नमेंट बनाई जाती है ठीक है और इस तरह से हम देखेंगे 1937 में जुलाई 1937 में जो कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने सात प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी सेवन प्रोविंस में गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की बनाई गई थी और जो वाइस राय थे वाइस राय लिलिथ गो के टाइम जो इलेक्शन जो हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई हम जो हैं पूरा कॉपरेट करेंगे इसके अंदर और जो भी हमारी हेल्प होगी हम आपको यहां पे देंगे तो ये एक बड़ा मेजर अचीवमेंट आता है कि कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनाई गई थी फॉर द काज ऑफ इंडिया नेशनल स्ट्रगल उन्नीस सौ सैंतीस में आके इट गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू रूल इन इंडिया तो प्रोविंस में रूल करने का जो मौका है वो यहाँ पे इसको मिलता है लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस एज ए गवर्नमेंट प्रोविंस में कुछ यहाँ पे कर पाते जहाँ कुछ यहाँ पे हम देखें कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकल पाते तो इमीडिएटली वर्ल्ड लेवल के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हो जाती है 1939-1945 में से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार यहां पे चलती है सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया जो है विदाउट डिस्कसिंग विदाउट डिस्कसिंग विद द कांग्रेस पार्टी एंड द अनदर मेजर पोलिटिकल पार्टी एंड लीडर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इंडिया को वॉर में ले जाती है पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इसका आप प्रोटेस्ट किया अब जैसे कि पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो में जितने हमारे नेशनलिस्टिक लीडर थे दे होल हार्टेडली सपोर्टेड द ब्रिटिश के वी शुड हेल्प अ रूलर एट दिस टाइम और हो सकता है इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट कल को हमें जो है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्फ रूल दे लेकिन नाव उसके बाद रॉयलट एक्ट मिला था जल्ले हमारे बाग का इंसिडेंट हुआ था तो वो इल्यूजन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो अब इंडियन नेशनलिस्ट लीडर से वो खत्म हो चुका था तब कांग्रेस जो थी अब कहती कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमसे डिस्कस नहीं किया डिबेट नहीं किया उठा के हमको वॉर में ले गया तो कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमारी सपोर्ट चाहते हैं यू फर्स्ट एस्टैब्लिश ए रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल जहां पे हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमें

कॉन्शियस अबाउट हिज राइट एंड दैट वॉज द केस विद द मुस्लिम लीग आल्सो मुस्लिम लीग को भी लगता था कि नाउ द सिचुएशन हैज कंप्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ दिस जियोपोलिटिकल कंडीशन हो सकता है कि कल को द ब्रिटिश जो है वो इंडिपेंडेंस दे दें या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दें दे दे दे, तो ऐसे कंडीशन में ये एक हिंदू डोमिनेटिंग गवर्नमेंट आ सकती है तो वी हैव टू फाइट फॉर अवर इंटरेस्ट एयर तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और भी यहाँ पे प्ले करती है मार्च 1940 में मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की डिमांड रख देती है कहते हैं कि भाई वी एज ए मुस्लिम वी आर सेपरेट फ्रॉम हिंदू हमारा कल्चर अलग है हमारा रिलीजन अलग है तो हमारा सब चीजें अलग हैं तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा कि भाई वी वांट ए सेपरेट कंट्री हमारा जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है वो जो है हमें सेपरेट यहाँ पे देना चाहिए और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर थे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कहा कि भाई आप इस कंडीशन में वॉर चल रही है तो अभी हम आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर रही हैं आठ अगस्त उन्नीस में ब्रिटिशर जो थे उन्होंने एक अगस्त ऑफर दिया अगस्त ऑफर का मतलब यह था उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी हम आपको अलाउ कर देंगे आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एक अपनी बनाइएगा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे लेकिन अब यहां पे तीन सेक्टर बन गए कांग्रेस कह रही थी आपके भाई जब तक आप हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पर नहीं देखे हम कोपरेट नहीं करेंगे मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई जब तक आ, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दें या ना दें वो अलग बात है बट वी वांट ए सेपरेट कंट्री हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए ब्रिटिशर कह रहे थे कि आप हमसे कॉपरेट कीजिए हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी दे देंगे हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे ठीक है और फोर्थ गांधी जी की बात करें तो गांधी जी दे आर नॉट सेटिस्फाई विद द ये जो ब्रिटिश ऑफर था उनसे सेटिस्फाई नहीं था तो इसके बदले में गांधी जी ने कहा कि वी विल लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह हम यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्टिंग करेंगे अब ये 1940 में ब्रिटिश जो था वो एक बड़ी एक प्रॉब्लम में यहाँ पे आ गए एक तरफ वॉर थी दूसरी तरफ इंडिया में उनको अब कॉपरेशन जो था नहीं मिल रहा था और गांधी जी दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की यहाँ पे बड़ा फास्ट जो था एक बड़े जो के साथ स्टार्टिंग यहाँ पे कर दी और मुस्लिम लीग इन्होंने छब्बीस मार्च उन्नीस को लाहौर में के सेशन में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेट रीजन है जैसे कि पंजाब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है सिंध है बलूचिस्तान है ईस्ट बंगाल का रीजन आ जाता है उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए वी वॉन्ट दैट्स इंडिपेंडेंट कंट्री है अब ये जो पाकिस्तान का मुद्दा था अब ये ऐसा नहीं था कि ये ऑलमोस्ट उन्नीस में उठ के आया इससे पहले भी 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी उस समय तो लेकिन उस समय उनकी जो इस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया एज सेपरेट कंट्री तो लेकिन बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि 1933 में जो मिस्टर रहमत अली थे उन्होंने इसको एक पाकिस्तान टर्म का यूज़ किया और एक जो मूवमेंट था इसको यहाँ पे नाम दिया तो ऐसा नहीं था कि इट वाज 1940 में ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान की डिमांड की गई 1930 से ही इस डिमांड को जो था उठाया जहां पे जा रहा था कि हमें एक सेपरेट कंट्री जो है वो यहां पे चाहिए ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आपने याद रखना है चौधरी रहमत अली जो थे इन्होंने ये जो नेम था पाकिस्तान ये टर्मिनोलॉजी जो थी नेम के लिए यहाँ पे यूज की थी यहाँ पे उधर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया विनोबा भावे एक बार वाराणसी के पास जो गांधी जी थे वो स्पीच कर रहे थे तो इस स्पीच से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि इन्होंने सब अपना एजुकेशन स्कूल्स काल छोड़ के गांधी जी के फॉलोअर बन गए और तमाम उम्र जो था गांधी अडियोल को फॉलो किया जब 1940 सौ चालीस में सर्वोदय ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्टिंग यहाँ पे की गई तो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्टिंग के चलते हम यहाँ पे देखेंगे कि विनोबा भावे जो थे ये पहले सत्याग्रही बने थे पहले सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सेकंड सत्याग्रही पे बने थे और इसके साथ साथ गांधी इस सत्याग्रह के साथ साथ जो विनोबा भावे जो थे इन्होंने एक सर्वोदया मूवमेंट भी चलाई थी सर्वोदया बेसिक फिलोसफी ऑफ गांधी जी मैं पहले भी आपको टीच कर सका हूं प्रोग्रेस फॉर ऑल जहां पे ऑल कम्युनिटी एंड पीपल्स का जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो रेजोल्यूशन होता है वो यहां पे होना चाहिए ठीक है अब इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोग्रेस फॉर ऑल के चलते इन्होंने एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मुद्दा था ये यहाँ पे उठाया इसके साथ साथ ही आल्सो क्रिएटेड दी ब्रह्मा विद्या मंदिर जो कि ब्रह्मा विद्या मंदिर ये इन्होंने बनाया जिसके अंदर जो देर वॉज ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ वोमेन जिसके लिए एक उनको सेल्फ बनाने के लिए उनको एम्पावरमेंट करने के लिए ये कम्युनिटी भी बनाई तेलंगाना में बुधन मूवमेंट भी चलाया आफ्टर इंडिपेंडेंस ताकि जो 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 जमींदारी को खत्म करने के लिए जो landless, जो लैंडलेस सीलिंग एक्ट लाया गया था जमींदारी बॉलिश किया गया तो इन्होंने तेलंगाना में जो वहां के जो लैंडलोड थे उनको कन्विंस किया था कि आप अपनी जो एक्सेस लैंड है वो लैंडलेस फार्मर के साथ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये कुछ पार्ट जो है वो आचार्य विनोबा भावे का भी जो था वो यहां पे रहा था ठीक है इसके बाद अब इस पूरे वर्ल्ड को स्टार्ट हुए दो साल का पीरियड हो चुका था और स्टार्टिंग में जो जर्मन था वो बहुत ज्यादा राइज कर रहा था और जैसा लग रहा था कि शायद ये वार जो है जर्मन जो है वो यहाँ पे जीतने वाला है तो इसके चलते गवर्नमेंट जो थी ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में समय आई हुई थी और 1942 के अंदर जो जापान था अब उसने भी अमेरिका का जो नेवल आ, जो वहाँ का निर्बल ने, नेवल बेस था वहाँ पे अमेरिका के ऊपर जो था वो अटैक भी वहाँ पे कर दिया था जिसके अंदर हजारों नेवल जो सेलर थे उनकी डेथ हो चुकी थी पूरे का पूरा बेस उन्होंने वहाँ पे जापानीज ने उठा दिया था अब प्रॉब्लम ये थी कि एशिया में जापान जो था वो अब अमेरिका और इंग्लैंड और सभी ये जो अलाइड नेशन थे इनके ने अगेंस्ट यहाँ पे लड़ रहा था और अमेरिका में एशिया में जापान जो था बहुत राइजिंग पावर था तो अमेरिका भी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंप्लीट हो गया जब इनके नेवल बेस को अमेरिका में उड़ा दिया गया वहां पे तो अब प्रेशर जो था वो ब्रिटिश के ऊपर बनना शुरू हो गया क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पे अगर इनको रोकना था यहाँ पे जापानीज को अगर यहां पे रोकना था तो इंडिया की सपोर्ट यहां पे चाहिए थी तब ये कमांड दी गई सर स्टाफोड क्रिप्स को सर स्टाफोड क्रिप्स जो थे ये ब्रिटिश के उस समय के चाणक्य कहे जाते थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया जो था वो जर्मन साइड में जा रहा था लेकिन रशिया स्टालिन को कन्विंस करके उसको इंग्लैंड और इस, इस ग्रुप में लाने के पीछे स्टाफर्ड क्रिप्स का एक बहुत बड़ा रोल था तो ये जिम्मेदारी भी यहाँ पे स्टाफर्ड क्रिप्स को दी गई कि आप जो इंडिया है उनके साथ नेगोशिएट करके उनको इस कैंप में लेके आइए तो तब स्टाफर्ड क्रिप्स जो थे वो इंडिया में आए स्टाफर्ड क्रिप्स ने भी वही पुरानी डिमांड को यहाँ पे दोबारा कर दिया कहते हैं कि भाई डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे वॉर खत्म होते ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो जो है वो यहां पे बना दी जाएगी तो वही बातें ऑलरेडी ऑफर में की गई थी ठीक है तो ओल्ड वाइन न्यू बॉटल करके 1942 में क्रिप्स मिशन में डाल दी गई लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कहते जी वी डोंट बिलीव वी डोंट बिलीव इन एनी एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ ये कोई भी जो फ्यूचर की जो आपके जो प्रोमिस हैं हम बिलीव नहीं करेंगे हम देख चुके हैं आपने पहले क्या किया था तो हम कोई भी बिलीव जो है वो आपने नहीं करेंगे वी वांट क्या प्रेजेंट में हमें क्या देंगे प्रेजेंट में देंगे इसके लिए गांधी जी ने जो क्रिप्स मिशन था उसको कह दिया कि इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक और इसके ओपोजिशन में गांधी जी ने दूसरी तरफ यहाँ पे नाइनटीन में क्विट इंडिया का नारा भी दे दिया जहां से क्रिप्स मिशन का एक तरफ फेल होता है और दूसरी तरफ जो है वो यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो यहां पे की जाती है अब इसी के चलते इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो यहां पे स्टार्ट हो जाती है अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट आती है जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे होती है ठीक है इसके लिए एक इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की एक कमेटी जो होती है इसका एक सेशन जो है वो स्पेशली यहाँ पे बुलाया जाता है ठीक है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अगस्त के अंदर 9 अगस्त को गांधी जी इस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं कि भाई आप जो हैं वो यहाँ पे जाएं और मूवमेंट uh, को जो है आप यहाँ पे स्टार्ट कर दें अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था ये कब पास किया गया तो इसके लिए एक स्पेशल एक कमेटी सा जो थी बुलाई गई थी यहाँ पे द कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाई गई थी 8 अगस्त उन्नीस बॉम्बे में तो इसके लिए कांग्रेस का कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा इसको जो था वो पास किया गया था और बॉम्बे में पास किया गया था 8 अगस्त को 9 अगस्त को ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई जिसके अंदर गांधी जी को इसका इस मूवमेंट का जो लीडर था वो यहाँ पे चुना गया अब इसके अंदर गांधी जी ने एक नारा दिया डू और डाई अब गांधी जी ने क्यों कहा कि नाउ दिस इज द टाइम नाउ दिस इज़ द टाइम के अगर अब हमने कुछ नहीं किया अगर हमने अभी कुछ स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस नहीं ली तो शायद फिर हम आने वाले टाइम में कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा ने बताया कि जो आइडियोलॉजी थी चाहे वो कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी चाहे वो नाजिस्ट की आइडियोलॉजी थी चाहे वो इटलैनी में मुसलोनी की बात करें जिस तरह से ये फांसिस्ट और नाजिस्ट आइडियोलॉजी जो राइज कर रही थी गांधी जी को डर था कि अगर कल को इन लोगों का रूल इधर आ गया तो फिर हम कोई होप नहीं कर सकते हैं कि वी विल गेट सो नाउ दिस इज द टाइम हमें अब जहां तो करना है और जहां फिर मरना है दैट इज वाई ही स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट यहां तो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो स्टार्टिंग थी वो यहां पे गांधी जी के द्वारा यहां पे कर दी गई अब क्विट इंडिया मूवमेंट को अक्सर कहा जाता है कि लीडरलेस रिवोल्ट क्यों लीडर ऐसे रिवोल्ट क्योंकि जब जैसे ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट पे रखा हुआ और स्टार्टिंग किया और वॉर का टाइम चल रहा था तो ब्रिटिश नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का कोई मास मूवमेंट तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे तो गांधी जी को उठा के जेल में रख दिया गया पूना में बाकी भी जितने लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अबुल कलाम आजाद थे सारे के सारे कोई भी लीडर था उसको किसी ना किसी जगह पे इन्होंने कैद कर दिया तो कोई मेजर लीडर बाहर नहीं था इसी टाइम के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी ये उन्होंने अपने जब जेल में थे तो उसके द्वारा लिखा गया था वेरी गुड बुक अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा उसके अंदर खास करके अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो वैसे देखने बड़ी बल्कि बुक लगती है लेकिन अगर आप उसका आ, पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप पार्ट स्टडी करते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड हिस्ट्री टू रीड अबाउट इट बहुत अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है तो इस तरह से इस मूवमेंट की जो लीडरशिप जो थी जो जैसे राम मनोहर लोहिया थे जेपी नारायण थे जयप्रकाश जे जे, जे नारायण नेपाल बॉर्डर था, था उषा गुप्ता एज ए वोमेन उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहे थे तो ज्यादातर लीडर इसके अंदर जो थे वो अरेस्ट थे कोई मेजर लीडर नहीं था बाहर तो लेकिन वर्कर के द्वारा इस मूवमेंट को बहुत बड़ा रोल जो था वो इस समय जो था प्ले इस मूवमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था ठीक है इसके अंदर हमने देखा है कि जैसे बलिया है इस तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश की कर दी गई थी इस मूवमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा हुआ था चिंटू पांडे जो थे वो उनकी लीडरशिप के अंदर बहुत बड़ा एक रिवोल्ट यहाँ पे देखने को मिला था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सतारा तलचर ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार में इसका बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला यहाँ पे ठीक है और 1943 के अंदर जैसे मद्रास और बंगाल के अंदर कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर आर्म्ड अटैक भी जो थे वो यहाँ पे हुए थे इसके बीच के अंदर हम देखेंगे कि दूसरी तरफ से जैसे इंडियन नेशनल आर्मी का भी रोल यहाँ पे आजाद हिंद फौज का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट जो चल रहा था लेकिन वो हम अलग टॉपिक में जो है उनको कवर अप करेंगे ठीक है तो गांधी जी नाइनटीन तक हालात बदलने शुरू हो चुके थे क्योंकि जो जर्मन एंड ऑल दिस जो फोर्सेस थी दे वर गेटिंग डिफीटेड ये सारे के सारे हार रहे थे और दूसरी तरफ अब इंग्लैंड जो था वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ रहा था यहाँ पे तो 1944 के अंदर गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो था इनको रिलीज़ कर दिया गया था लेकिन ये एक मूवमेंट का बहुत मेजर रोल रहा है इस मूवमेंट का बहुत मेजर रोल रहा है और ये गांधी जी का एक लास्ट मेजर मूवमेंट था जो यहाँ पे स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट है यहाँ पे ठीक है लास्ट मेजर मूवमेंट हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है लेकिन इस मूवमेंट में देर आर सटन सेक्शन जो कुछ लोग थे जो कम्युनिटी थी जो इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही थी जैसे कि मुस्लिम लीग जो थी वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रही थी वो इससे अलग चल रहे थे हिंदू महासभा ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था वो भी इससे अलग चल रही थी कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्योंकि रशिया इंग्लैंड के साथ यहाँ पे मिला हुआ था कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रशिया वॉज द फादर ऑफ द कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो जिसके चलते जो कॉम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उन्होंने भी इसके अंदर जो आ, इंडिया के अंदर जो था बोला गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना तो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो इस मूवमेंट के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जो थी अटैच नहीं थी यहाँ पे ठीक है अब दूसरी तरफ जो सी राजा गोपालचारी थे उन्होंने भी इस समय कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ली जाए क्योंकि उनका मानना था द टाइम इज नॉट राइप टू गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो ऐसा ना हो कि अगर हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं तो दोबारा से इंडिया जो है वो दोबारा से अलग अलग जो है फील्ड में यहाँ पे डिवाइड हो जाए यहाँ पे तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं चाहते थे सो दैट इज वाई ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर कुछ समुदाय थे कुछ लोग थे जो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी थी वो भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे यहां पे हाँ जी बिल्कुल जी आ, आपका नाम बड़ा अच्छा है विलन व्हाट इज योर गुड नेम हां जी बॉस ने बिल्कुल जी बॉस ने फादर ऑफ नेशन उनको कहा था सिंगापुर से जब उन्होंने आजाद हिंद रेडियो वहां पे किया था तो एड्रेस किया था वहां पे ये हम टॉपिक करेंगे जब हम थोड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मूवमेंट का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है क्योंकि ब्रिटिशर दे वर नाउ ऑलमोस्ट सी कि अगर इस ये जो मूवमेंट जिस तरह का भी चल रहा है अगर ये दोबारा मूवमेंट हो जाता है तो फिर हम इस मूवमेंट को हैंडल जो है वो आगे नहीं कर पाएंगे अब इसी के बीच में एक और बहुत बड़ी म्यूटनी इंडिया में हो जाती है देखिए इंडिया में जो ब्रिटिश ओके okay, नवजोत वेरी नाइस नेम आपका मेरे पास जो टाइटल नेम आप यूज कर रहे हैं आई विश के आप नवजोत नाम यूज करें क्योंकि जब आपके रियल नेम आते हैं तो फिर एड्रेस करना आसान होता है इजी हो जाता है और आपका बहुत अच्छा नाम है नवजोत ठीक है सो म्यूटनी के अंदर अब इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश के द्वारा रूल किया गया था ना उसके तीन पिलर थे आर्मी ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस आर्मी में भी इंडियन आ चुके थे ब्यूरोक्रेसी में भी क्योंकि 1921 के बाद जो सिविल सर्विस एग्जाम था वो इंडिया में होना शुरू हो चुका था तो यहाँ पर भी इंडियन जो थे वो आ चुके थे पुलिस में भी इंडियन आ चुके थे और ऐसे में बंगाल के अंदर जो रॉयल इंडियन नेवी थी वहां पे एक बहुत बड़ी म्यूटनी हो जाती है और 1945 तक जो आ, ये सेकें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये भी खत्म हो जाती है इंग्लैंड में इलेक्शन हो जाते हैं नई गवर्नमेंट वहां पे बन जाती है तो नई गवर्नमेंट जो है दैट वाज इन द फेवर ऑफ गिवर ग्राटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया ठीक है आगे बात करेंगे इसके बारे में तो यहां पे एक बहुत बड़ा म्यूटनी हो जाता है और ये म्यूटनी जो यहां पे होती है ठीक है तो ये जो म्यूटनी यहां पे हो जाती है तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका इमीडिएट रीजन जो है वो वही था अभी भी जो इंडियन जो सोल्जर थे उनकी कंप्लेंट थी दे वर नॉट गेटिंग गुड पे दे वर नॉट गेटिंग गुड सर्विस कंडीशन फूड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो यहाँ पे ये जो नेवी है ये एक ओपन रिवोल्ट कर देती है और धीरे धीरे ये जो नेवी का रिवोल्ट है ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स में और लोकल पुलिस में भी स्प्रेड हो जाता है और मद्रास पुणे में इंडियन आर्मी भी चला जाता अब गवर्नमेंट को क्लियर हो चुका था क्योंकि ये वो हमारे पिलर थे जिनके ऊपर हम रूल कर रहे थे बट नाउ दिस हैज बीन आइज तो अब इस तरह का अगर एटीन फिफ्टी सेवन जैसा रिवोल्ट अगर दोबारा हो गया तो वी आर नॉट इन दैट कंडीशन और दूसरी तरफ हम जहां पे देखेंगे क्योंकि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी थी इंग्लैंड में तो चर्चिल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो वॉर टाइम के ऊपर इंग्लैंड में उस समय की गवर्नमेंट थी और चर्चिल वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो इलेक्शन हार चुके थे लेबर पार्टी के नीचे लॉर्ड एटली जो थे वो नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और 1930 के बाद लेबर पार्टी जो थी वो इंडिया के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रही थी दैट इज व्हाई आफ्टर 1945 जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ओपनली दैट वी आर रेडी टू गिव यू इंडिपेंडेंस तो इस म्यूटनी के चलते एक बड़ा वाइड स्प्रेड जो एक मूवमेंट uh, था वो दोबारा यहाँ पे खड़ा हो गया तो तब गवर्नमेंट ने uh, जो इंडियन लीडरशिप थी उनको बोला कि वी आर रेडी टू गिव यू इंडिपेंडेंस तो ऐसे में अगर ये पूरा रिवोल्ट हो जाता है म्यूटनी हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो हमें इस चीज के लिए हमें यहाँ पे इसको आप बंद करवाइए तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो म्यूटनी पे हुई थी इसके अंदर कांग्रेस का फ्लैग भी लहराया गया मुस्लिम लीग का भी लहराया गया कम्युनिस्ट पार्टी का रेड फ्लैग भी लहराया गया लेकिन तब मोहम्मद अली जना वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने कैसे ना कैसे करके सोल्जर को कन्विंस किया कि भाई वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है आप इसे विड्रॉ कर दिए तो तब जाके ये जो रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट था जो इसे वाइट म्यूटनी हम कह देते हैं नेवी का जो म्यूटनी हुआ ये यहाँ पे कॉल बैक किया गया बट नाउ द ब्रिटिश वार ऑलमोस्ट क्लियर कि भाई नाउ दिस द टाइम इज देयर वी हैव टू लीव इंडिया इज्जत से चले जाएंगे तो बहुत अच्छी है लेकिन धक्के मार के निकालेंगे उससे अच्छा है कि इज्जत से आप यहाँ से चले जाए और इसी के चलते अब इंडिपेंडेंस देने के लिए ब्रिटिश जो थे वो मान चुके थे कि वी आर गोइंग टू गिव यू इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस लेकिन दूसरी तरफ व्हाट वाज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो कह रही थी कि भाई वी विल गेट ए सेपरेट कंट्री आप कंट्री का पार्टीशन कीजिए पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगा कांग्रेस जो थी उनकी अलग डिमांड यहाँ पे हो रही थी यहाँ पे ठीक है तो तब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए एक जो पोलिटिकल डेडलॉक था वो लीग और कांग्रेस के बीच में बना हुआ तो तब राजा गोपाल चरी ने कहा कि एक राजा गोपालचरी ने एक फार्मूला यहाँ पे दिया जिसे कहते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे हम वोटिंग करवा लेंगे प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट और रेफरेंडम ये दो टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि जब किसी टेरिटरी का आपने डिसाइड करना होता है कि भाई इस टेरिटरी का जो है वो डिवीजन कैसे किया जाए तब आप प्लेबिसाइट कराते हैं लोगों की वोटिंग के लिए रेफरेंडम तब हम कराते हैं जब हम किसी का Uh, लोगों का कोई ओपिनियन लेना होता है रिगार्डिंग सम न्यू लॉ एंड रेजोल्यूशन तो यहाँ पे इन्होंने राजा गोपाल चारी ने यहाँ पे कहा कि भाई हम जो हैं आप प्लेबिसाइड करवा देंगे जहां जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे प्लेबिसाइड करवा दिए जाएंगे अगर मुस्लिम मेजोरिटी कहती है कि वी वांट ए सेपरेट कंट्री तो हम यहाँ पे दे दिए जाएंगे ठीक है लेकिन जिना ने कहा कि आप जिस एरिया में प्लेबिसाइड करवाएंगे जैसे नॉर्थ वेस्ट का एरिया है या बाकी ईस्ट ऑफ इंडिया है वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा दूसरा वोट नहीं करेगा मुस्लिम ही जिस वोटिंग में आएगा दूसरी पॉपुलेशन वोट नहीं करेगी तो अगेन बात घूम फिर के वही आ गई ये जो फार्मूला था ये फेल हो गया यहाँ पे ठीक है फार्मूला फेल हो गया दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वांट टू गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो इन किस तरह से इंडिपेंडेंस दिया जाए कैसे फ्यूचर का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा तो इसके लिए एक मिशन भेजा गया जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं लॉर्ड एटली ने प्राइम तो मिनिस्टर एक जो कैबिनेट रैंकर थे, 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 थे। तो वॉइस रहे थे इंडिया के लेकिन ये इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था इसके अंदर नहीं किया लेकिन आउटसाइड से ये कैबिनेट मिशन को सपोर्ट और हेल्प कर रहे थे ये जो तीन में कमिशन यहाँ पे भेजा गया इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से हम पावर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है और किस तरह का फ्यूचर सेटअप इंडिया में होगा अब कैबिनेट मिशन ने पहले तो जो सेपरेट डिमांड थी यहां पे पाकिस्तान के उसको रिजेक्ट कर दिया कहते हैं कि सेपरेट कोई डिविजन नहीं होगा पार्टीशन कुछ नहीं होगा जो प्रोविसेज हैं उनको कंप्लीट अटोनमी दी जाएगी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यूनियन एग्जेक्टिव होगा उसके अंदर लेजिस्लेचर भी होगा एक एग्जेक्टिव गवर्नमेंट भी यहाँ पे बनाई जाएगी ठीक है अब इसके लिए जो लेजिस्लेचर बनेगी जो फ्यूचर की गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होगी लेकिन क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए एक प्रोविंशियल

वर्किंग गवर्नमेंट जो है वो इंटरम गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी तो इसको प्लान को स्टार्टिंग में तो इन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है आप एक इंटरम गवर्नमेंट बना देते हैं आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लिए आप एक असेंबली बनाइए तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए उसके बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हैं तो बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस प्लान के लिए एक्सेप्ट होती हैं जुलाई उन्नीस में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए प्रोविंस के के अंदर जो है इलेक्शन जो है वहाँ पे करवा दिए जाते हैं और एक इंटरम जो है वो बनाई जाती है इंडिया के अंदर जिसके जो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह कह लीजिए लीजिए या वाइस प्रेसिडेंट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट या एक तरह का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनते हैं स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग जो है वो मना कर देती है कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन बाद में लॉर्ड वेबल जो वाइस राय थे उन्होंने कन्विंस किया कि बाहर रह के क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट के अंदर आए और अंदर रह के आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें तो वेवल ने बड़ा रीजनिंग लॉजिकली इनको समझाया कि बाहर रह के हाई हाई करने का कोई फायदा नहीं है यू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और आप वहां पे अपने इंटरेस्ट को बेटर सर्व कर सकते हैं तो तब मुस्लिम लीग ने भी एग्री कर दिया कि ठीक है भाई वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस गवर्नमेंट तो एक इंटरम गवर्नमेंट जो थी अंडर द कमांड ऑफ जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे ये बना दी गई यहाँ पे अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि ये इंटर्म गवर्नमेंट जो थी जो कैबिनेट बनाई गई थी इसके अंदर मिनिस्टर कौन कौन से किसको क्या क्या डिपार्टमेंट मिला उसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे अपलोड की हुई है तो ये पीडीएफ में आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि वाइस प्रेजिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर कम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर थे कमर्स के मिनिस्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर थे जो मुस्लिम लीग के यहाँ पे लीडर जो बनाए गए डिफेंस बलदेव सिंह के पास था यहाँ पे फाइनेंस है, है तो अब ऐसे में जैसे ही ये इंटरन गवर्नमेंट बनी लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो राइट थे वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए अब जो हिंदू मुस्लिम राइट स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉमनल राइट स्टार्ट हो जाते हैं बंगाल में जगह पर हालात बहुत खराब हो जाते हैं बिकॉज द मुस्लिम लीग जो है वो गवर्नमेंट से भी रिजाइन कर जाती है बाद में एंड दे नाउ बिकम एडमेंट ऑन द सेपरेट जो पार्टीशन को लेके एडमेंट यहां पे हो जाते हैं इस एडमेंट के लिए दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे दे नाउ वांट टू हैंड ओवर द पावर और ट्रांसफर ऑफ इंडियन पावर एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि उनकी अब अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो चुका था जो हालात वहाँ पे बने हुए थे अब गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपने घर को पहले संभाल लें ये अपना देखे कैसे करना है लॉर्ड माउंट बैटन देन केम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंट बैटन जो है इंडिया में आते हैं और पहले थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है लॉर्ड माउंट बॉटन जो है वो पार्टीशन के प्रपोजल के ऊपर अपना स्टैंप लगा देती है इसके लिए एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 में साइन जो है उसे पास किया जाता है और इस एक्ट के नीचे जो इंडिया है उसको दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है इंडिया पाकिस्तान बाकी सब चीजें आप जानते ही हैं जो 1947 में जो राइट में हुआ जो एक जो एक रिफ्यूजी पॉपुलेशन हुआ दैट यू नो वेरी वेल हियर बंगाल और पार्टीशन को पार्टीशन किया गया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में चले गए ठीक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया सिलहेर डिस्ट्रिक्ट और साम ये भी सारा पाकिस्तान के लिए हो गया बाउंड्री को डीमार्केशन करने के लिए रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन जो था अपॉइंट किया गया सर रेडक्लिफ ने बाउंड्री यहाँ पे तय की गई ठीक है गुजरात साइड के ऊपर और इधर ऊपर का जो कश्मीर साइड का यहाँ पे रीजन हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंस दे दिया गया कि भाई आपकी मर्जी है आप जिस भी कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं तो इस तरह से जल्दबाजी के अंदर ये जो पूरा पार्टीशन किया गया जिसका खामियाजा लाखों इनोसेंट लोगों ने भुगता क्योंकि इस पार्टीशन के अंदर लाखों लोगों के घर उजड़ गए फैमलिया जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई लाखों लोग मारे गए इस पूरी के अंदर लेकिन अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकम ए न्यू कंट्री एंड 14 अगस्त को पाकिस्तान बिकम ए न्यू कंट्री पाकिस्तानी यहाँ पे ठीक है ठीक है तो इसके अंदर हम देखेंगे जिस तरह का कुछ पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन किया गया ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं ये पाकिस्तान बना बाकी का जो एरिया था इट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है कश्मीर हैदराबाद और इधर जूनागढ़ जो स्टेट थी ये स्टार्टिंग में दे वर नॉट इन फेवर टू बिकम इन इंडिया और इनको भी हैदराबाद को और जूनागढ़ को भी इंडिया का पार्ट बनाया गया कश्मीर के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया सो इन दिस वे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और विद दिस वी आर ओवर विद आर मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा मेन क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री जो चल रही है वो आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है नाइनटीन सेवन तक का जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट था ठीक है स्टूडेंट ये आपकी प्रॉपर जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे खत्म जो है हो जाती है ठीक है ये बिल्कुल ये नवजोत आपके जो बता रहे हैं आपके पॉलिटी के अंदर ये जो टॉपिक है वहां पे आ जाते हैं ठीक है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया नेशनल uh, आपका एंथम है उसको अडॉप्ट किया गया ठीक है सो so, अब आपका जो क्रोनोलॉजिकल जो हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है वो और आ जाके यहाँ पे खत्म हो जाता है इसके बाद हम एक लेक्चर और रखेंगे जिसके अंदर हम जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है क्योंकि वो, वो अभी हमने पूरी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ी है तो रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो हम एक लेक्चर में वो कवर करेंगे उसके बाद आपका जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा इसके बाद अब आपको करना है रिवीजन रीड रिवीजन रीड ठीक है तीन आर के ऊपर आपको काम करना है रीड रिवाइज एंड रीड इसके ऊपर आपको बहुत सारा काम करना है ठीक है तो आई होप के मैं जितना बेटर कर सकता था आपको हिस्ट्री टीच करने में आई हैव गिवन माई बेस्ट एफर्ट्स लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई चीज रह जाती है जहाँ कोई चीज यहाँ पे कवर नहीं हुई है तो आप कोई चीज अधूरी मत छोड़िएगा यू गो रीड द बुक्स और प्रोपरली जो है उसको स्टडी कीजिएगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है सेल्फ स्टडी ही आपको आगे जो है वो सक्सेस दिलाती है क्योंकि कोई भी टीचर वो चाहे कितना भी बेस्ट क्यों ना हो वो आपको हर चीज़ ना तो पढ़ा सकता है ना ही वो बता सकता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने लेवल के ऊपर भी आपको रीड करनी होती हैं वो चीज़ आपने अपनी तरफ से करनी है ठीक है इसके साथ साथ जितने टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं वो कीजिए क्योंकि अब आपका एक महीने का टाइम आपके डेढ़ने का टाइम है जितना भी ज्यादा आप रीड करके टेस्ट सीरीज को आप कर सकते हैं वो कीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बहुत सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस एरिया में मेरा वीकनेस है किस तरह का है ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको ओटो अकेडमी के ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है यहाँ पे आपके गांधीन स्टडी के भी टेस्ट पड़े हुए हैं सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री जोग्रफी सारे टेस्ट जो हैं वो एक सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल वाइज वहां पर पड़े हुए हैं तो वो अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा वहाँ पे हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी एंड आई विश कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आए एंड यू पास दिस एग्जाम विद ए फ्लाइंग कलर एंड वेरी गुड रैंक एंड योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एप्टसील्डार कम ट्रू सो माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच एंड डू योर बेस्ट